स्वागत है दोस्तों, आज 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आ गया। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे, बैंक खाताधारकों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों की ओर से जो बड़े ऐलान और अपडेट हुए हैं उसके बारे में डिटेल खबरें देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए। इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर करिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी का आज फ्रांस का दौरा, बेस्टिल डे परेड में चीफ गेस्ट होंगे, दोनों देशों के बीच बिग डील भी होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा में 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक रक्षा सौदे की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके अलावा पेरिस में पीएम मोदी 5000 से अधिक भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, एक और जरूरी बात आपको बताएं, फ्रांस में बास्टिल डे यानी कि फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम है, इसमें भारतीय सेना की तीनों टुकड़ी यानी थल सेना, नेवी और एयरफोर्स भी शामिल होंगे। फ्रांस से लौटते हुए पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर भी जाएंगे, दोनों देशों के बीच में भी कई मुद्दों पर बातचीत होगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली खबर है। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से चलने वाला रॉकेट लॉन्च कर दिया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, यानी चीन ने ही अपने आप में एक इतिहास रचा। अमेरिका, एलन मस्क, जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर नया रॉकेट लॉन्च किया। चीन ने पहली बार मीथेन लिक्विड से चलने वाले इस रॉकेट का सफल परीक्षण किया। वहीं बंगाल पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का ऑर्डर, अदालत ने कहा कि अंतिम नतीजे हमारे आदेश पर निर्भर होंगे, चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा गया। पश्चिम बंगाल चुनाव के अंतिम नतीजे कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेंगे। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से यह पूछा कि आखिर आयोग ने केवल 696 बूथों पर दोबारा मतदान करने की घोषणा क्यों की, क्या इसके लिए कोई जांच की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने हिंसा को लेकर की गई कार्रवाई पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट अधूरी और असंतोषजनक है। वहीं बड़ी खबर, सेंसर बोर्ड ने ओएमजी 2 की रिलीज फिलहाल रोक दी है, फिल्म का पहले रिव्यू किया जाएगा, आदि पुरुष विवाद को देखते हुए यह फैसला लिया गया। वहीं बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुर्णेश मोदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल किए हैं। उन्होंने कोर्ट से मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है। पुर्णेश ने कहा कि अगर राहुल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। हालांकि अभी तक राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, लेकिन वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में बुधवार को भीड़ ज्यादा होने से भगदड़ मच गई। गर्मी, उमस होने से कई लोग बेहोश हो गए, 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त कार्यक्रम में 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और दरबार में अर्जी लगाने की होड़ मची हुई थी, भीड़ बेकाबू हो गई और अफरा तफरी मच गई। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, जून में फुटकर महंगाई 4.81% पर पहुंच गई है, खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, मई में 4.25% पर महंगाई दर थी। वहीं दिल्ली में यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर ने चिंताएं बढ़ा दी है, धारा 144 लागू, सीएम केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग दिल्ली सचिवालय में होगी। और बड़ी खबर अपडेट ये भी है कि दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू की है, संभावित खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। दिल्ली में यमुना ने रौद्र रूप धर लिया, गुरुवार को नदी का जल स्तर काफी बढ़ने की आशंकाएं और अलर्ट जारी है। हरियाणा से पानी छोड़े जाने से यमुना नदी उफान पर है और दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर शाम 6 बजे तक 207.81 मीटर पहुंच गया था। यमुना का हाईएस्ट वाटर लेवल 207.49 मीटर पहुंचा था और वो भी साल 1978 में, यानी कि इस बार 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। आपको बता दें, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम के चलते बीते 4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की जानें भी चली गई। हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह पर टूरिस्ट फंसे हुए हैं। बड़ी खबर है, टमाटर सस्ता करने के लिए केंद्र की कोशिश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीदेंगे, दूसरे राज्यों में कम कीमत पर बेचा जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए एक प्लान तैयार किया। आपको बता दें, देश में ज्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। 22 जुलाई को लगेगा मोदी सरकार का रोजगार मेला, 70,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। दरअसल पीएम मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य के साथ रोजगार मेला शुरू किया था और तब से अब तक ये रोजगार मेले के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अब मोदी सरकार का 7वां रोजगार मेला 22 जुलाई को लगेगा और इसके तहत 22 से ज्यादा राज्यों के 45 जगहों पर रोजगार मेला लगेगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से जुड़ेंगे और 70,126 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे, नियुक्ति पत्र बांटेंगे।
वहीं एलन मस्क ने लॉन्च की नई एआई कंपनी चैट जीपीटी को टक्कर दे सकती है। ट्विटर के मालिक और अरबपति बिजनेसमैन ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी XAI का ऐलान किया है और एलन मस्क ने एआई स्टार्टअप की वेबसाइट लॉन्च करते हुए कंपनी की शुरुआत की है। चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी खबर, श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने वाला है और इस मिशन पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है, यानी चांद पर भारत झंडा गाड़ने वाला है। इसरो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है। मिशन की लॉन्चिंग 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से की जाएगी। इसरो के इस मिशन का मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करना और वहां पर रिसर्च करना है। भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था लेकिन ये मिशन सफल नहीं हो पाया था और ऐसे में अब चंद्रयान 3 मिशन में डिजाइन से लेकर असेंबली तक का बदलाव हुआ है ताकि ये मिशन सफल रहे और इसीलिए चंद्रयान 3 मिशन पर पूरे देश की निगाहें साथ ही दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। वहीं वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक नई किस्म तैयार की है। इसकी रोटी खाने से डायबिटीज मरीजों को फायदा मिलेगा। डायबिटीज के मरीजों को अब खाने पीने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने गेहूं की ऐसी किस्मों को विकसित किया है जिसका आटा खाने से डायबिटीज मरीजों को काफी फायदा होगा। डायबिटीज मरीजों के लिए गेहूं की इस किस्म का आटा दवा के रूप में काम करेगा, साथ ही दिल की बीमारी से पीड़ित मरीजों को भी काफी फायदा होगा। वहीं सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़ा बूस्ट दिया। लिथियम माइनिंग को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 जुलाई को माइन और मिनरल्स अधिनियम 1957 में संशोधन को मंजूरी देते हुए लिथियम और दूसरे मिनरल्स की माइनिंग को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही अब लिथियम माइनिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलने के आसार बढ़ गए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है प्राइवेट स्कूल न्यूज अपडेट, आप देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स सरकारी स्कूलों के बराबर सैलरी पाने के हकदार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बड़ी बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट टीचर्स को यह अच्छी खबर दी है। गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के हक में यह फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी स्कूलों के टीचरों के समान वेतन के हकदार हैं। हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान है कि किसी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के वेतन और भत्ते, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और अन्य निर्धारित लाभ का पैमाना सरकारी स्कूल में उसके कर्मचारियों से कम नहीं होगा। बड़ी खबर आ रही है पिछले 24 घंटे में 5 अमरनाथ यात्रियों की जान चली गई। अब तक 19 लोगों की जान चली गई है। जम्मू से 10वां जत्था भी रवाना हो चुका है। जल्द ही चीन की यात्रा पर जाएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। अमेरिका की बढ़ेगी धड़कन, कई मुद्दों पर बातचीत होने की खबरें हैं। क्रेमलिन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही चीन की यात्रा पर जाएंगे। रूस के इस कदम से दुनिया में छाएगा खाने का संकट। यूक्रेन के साथ हुए अनाज समझौते से हटने की धमकी दी है। आपको बता दें रूस और यूक्रेन के बेल्ट में पूरी दुनिया का 25% अनाज प्रोडक्शन होता है और यदि समझौते से रूस पीछे हटा तो पूरी दुनिया और खास करके अफ्रीका और खाड़ी देशों में अनाज का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वहीं बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। 14 जुलाई को फिर से शुरू होगा 15वीं राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र। राष्ट्रपति जी का विशेष संबोधन भी होगा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र 14 जुलाई से फिर से शुरू होने जा रहा है। वहीं फर्जी जीएसटी पंजीयन को रोकने के लिए एक और बड़ी कार्रवाई, अब 30 दिनों के भीतर देनी होगी बैंक अकाउंट की डिटेल। अब जीएसटीएन पर पंजीयन कराने के 30 दिनों के भीतर अपना वैध बैंक खाता नंबर देना होगा, अन्यथा जीएसटीएन पर पंजीयन को रद्द कर दिया जाएगा। पहले 45 दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण देना होता था। वहीं ज्योति मौर्य केस से जुड़ी बड़ी खबर, एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़ा यह मामला आप देख पा रहे हैं। मनीष दुबे के निलंबन की अटकलों को शासन ने खारिज किया। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही है। दरअसल आपको बता दें होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर कार्रवाई करने के लिए शासन ने जांच रिपोर्ट का परीक्षण शुरू कर दिया। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार जी ने कहा कि रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद निलंबन करने और विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं अनिल कुमार ने सोशल मीडिया में चल रहे उन अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें मनीष दुबे के निलंबन की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक परीक्षण पूर्ण नहीं हो जाता निलंबन का फैसला नहीं होगा। बुधवार दोपहर से ही सोशल मीडिया, टीवी न्यूज अपडेट में सभी जगह मनीष दुबे के निलंबन की बातें चल रही थी। पाकिस्तान से जुड़ी खबर, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को राहत मिली है। IMF ने $3 बिलियन के कर्ज को अंतिम मंजूरी दी है। मुंबई एयरपोर्ट बना दुनिया का चौथा सबसे पसंदीदा एयरपोर्ट। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रतिष्ठित सूची में चौथा स्थान हासिल किया। पर्यटन के क्षेत्र की एक प्रमुख पत्रिका के पाठकों की राय के आधार पर 10 पसंदीदा एयरपोर्ट की लिस्ट जारी हुई जिसमें मुंबई एयरपोर्ट को चौथा स्थान मिला। वहीं SBI बैंक के ग्राहक है तो सावधान हो जाइएगा, बैंक ने एक अलर्ट जारी किया। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी लॉकर पॉलिसी में बदलाव किया, यानी रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत बैंक अपने ग्राहकों को नए लॉकर नियम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी निकटतम शाखा में जाने के लिए कह रहा है। अगर आप भी SBI के ग्राहक हैं, लॉकर इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। लॉकर पॉलिसी में बदलाव हुआ है और ऐसे में अब नए लॉकर नियमों के मुताबिक बैंक ने अपने ग्राहकों को उनके नजदीकी शाखा में जाकर नए लॉकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहा है। बड़ी खबर महंगाई से राहत, दिल्ली NCR में 14 जुलाई से मिलेगा सस्ता
टमाटर सरकार की योजना है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शुक्रवार 14 जुलाई से खुदरा दुकानों के जरिए घटी हुई दरों पर उपभोक्ताओं को टमाटर दिए जाएंगे। दिल्ली में घर खरीदना महंगा, 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर बड़ी ट्रांसफर ड्यूटी। दरअसल दिल्ली नगर निगम के अनुसार महिला व ट्रांसजेंडर के नाम पर कोई संपत्ति है और वह 25 लाख रुपए से अधिक की है तो अब उन्हें 3% ट्रांसफर ड्यूटी शुल्क का भुगतान करना होगा। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में 25 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के ट्रांसफर ड्यूटी शुल्क में 1% की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिले हैं। कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र की मंजूरी। बाढ़ और बरसात से जुड़ी बड़ी खबरें भी आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने बताया कि अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल जिलों में औसत से अधिक बारिश होने की वजह से लोग प्रभावित हुए हैं। हिमाचल से नदी नालों में आए पानी ने भी इस परेशानी को और बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, अब रजिस्ट्री का भी मिलेगा प्रमाण पत्र, दर्जनों पन्नों की नहीं पड़ेगी जरूरत। स्टाम्प राज्य मंत्री ने कहा कि इस साल भी नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट। उत्तर प्रदेश में लोगों को अब दर्जनों पेज की रजिस्ट्री के कागजों से छुटकारा मिलने वाला, रजिस्ट्री का भी लोग प्रमाण पत्र ले सकेंगे। ये व्यवस्था रजिस्ट्री कार्यालय में शुरू कर दी गई है। 100 रुपए शुल्क देकर रजिस्ट्री का एक पेज का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी स्टाम्प राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में मीडिया को दी है। प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट भी है igrsup.gov.in, यहाँ पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर, दीपक बैज बने छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ। प्रदेश कांग्रेस में फिर बड़ा बदलाव हुआ, मोहन मरकाम हटाए गए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। वहीं भूपेश कैबिनेट की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अनुपूरक बजट के प्रारूप पर मुहर, उद्योग शुरू करने के लिए भी छूट मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, नीमच कलेक्टर दिनेश जैन के मार्गदर्शन में नीमच जिले में राजस्व विभाग से संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष राजस्व सेवा अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत जिले की सभी तहसीलों में प्रत्येक गुरुवार को राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदारों द्वारा क्षेत्र के एक एक गांव में विशेष राजस्व सेवा शिविर आयोजित किए जाकर लोगों को सुविधा दी जाएगी। वहीं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 14 जुलाई से प्रदेश में पर्यटन को प्रमोट करने की पहल होगी और इस साल की थीम है सस्टेनेबल टूरिज्म। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण 14 से 16 जुलाई तक आयोजित होगा। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, युवाओं को मिलेगी यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग, वेबसाइट पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। अंतिम तिथि बढ़कर 19 जुलाई हो गई है। मध्य प्रदेश बैतूल से जुड़ी बड़ी खबर है, यानी कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के नवाचार प्रयास और विजन आईएएस की निर्देशक दीपाली चतुर्वेदी की पहल के बाद बैतूल में आईएएस के लिए कोचिंग शुरू हो रही है। युवाओं को यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, नीट यूजी काउंसलिंग 2023 से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी में खुलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, सीएम योगी जी ने यह बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पहले से ही 16 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं आईएमडी अलर्ट भी आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में 13 जुलाई को कम होगी बारिश, 14 से फिर बादल जमकर बरसेंगे। मौसम विभाग ने कहा कि 13 जुलाई को बारिश कम होगी लेकिन 14 जुलाई से फिर से भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं पंजाब में बाढ़ से जुड़ी बड़ी खबर है, अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी देगी। 11 जिले सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। पंजाब में 14 जिलों के 1058 गांव बाढ़ की चपेट में, भाकड़ा पोंग बांध से पानी छोड़ने से खतरा बढ़ गया। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तराखंड वेदर अपडेट में देख पा रहे हैं, प्रदेश में 449 सड़कें बंद हो गई हैं, जगह जगह पर यात्री फंस गए हैं, सरकार ने यात्रा टालने की सलाह भी दी है। हरियाणा में भी यमुना रुद्र रूप में आ गई है, 10 जिले बाढ़ की चपेट में, 8 की मौत होने की खबर, 78 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बड़ी खबर टाटा टेक आईपीओ से जुड़ी हुई है, 19 साल बाद आ रहा है टाटा का आईपीओ, शेयर खरीदने की होड़ मच गई है, ग्रे मार्केट में आसमान छू रहा है इसका रेट। साथ ही सुपरटेक के 27,000 से अधिक होम बायर्स के लिए गुड न्यूज आई है, अटके पड़े 18 प्रोजेक्ट अब पूरे होंगे। वहीं मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित हो गया, मुख्य सूची में 10,351 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष होगी, सीएम योगी जी ने निर्देश दिए। वहीं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश को लेकर क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर नजर रखेगा सॉफ्टवेयर, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपदा पीड़ितों को अब 5,000 नहीं 1-1 लाख रुपए देगी सरकार, राहत मैनुअल में बदलाव होगा। वहीं सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया, 3 महीने में 18 सेफ सिटी वाला पहला राज्य होगा यूपी, सभी वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन जरूरी कर दिया गया। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक स्कैम यानी पीएनबी स्कैम से जुड़ी खबर है, भगोड़े नीरव मोदी की जब्त की गई संपत्ति बेचकर पंजाब नेशनल बैंक नुकसान की भरपाई करेगा। बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है, मोदी सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया, वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग एसोसिएशन सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बातचीत को तय समय पर पूरा करने को कहा है। अधिकारियों का कहना है कि सैलरी में बदलाव के लिए मंत्रालय ने निष्पक्षता और समानता पर जोर दिया है। खबरें आ रही कि सरकारी बैंक कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है, वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। मंत्रालय ने बैंकिंग एसोसिएशन को बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि इसे 1 दिसंबर तक पूरा करें।
वहीं मेडिकल पीएचडी में अब नहीं देना होगा इंटरव्यू। एम्स ने हटाने का इस तरह का प्रस्ताव रखा है। बहुत ही जल्द मेडिकल पीएचडी के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म हो सकती है। एम्स दिल्ली ने मेडिकल कमीशन के सामने यह प्रस्ताव रखा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। बुधवार सुबह सोने का भाव 58,887 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी का भाव 70,880 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस को लेकर। संपूर्ण भारत का आज 13 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, विदर्भ, उत्तराखंड, कोंकण और गोवा, साथ ही तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के अलावा कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की बरसात हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के दो सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही लेते हैं आप लोगों से इजाजत, कल वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।